नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह, मेरा यूट्यूब चैनल जय किसान एचपी में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। मैं आज आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूं दोस्तों। आज जो वीडियो है हमारी वो है अन्ना गोल्डन डॉरसेट पर, अन्ना और गोल्डन डॉरसेट, अन्ना जो, और दूसरा एक है अखरोट। दोस्तों ये कश्मीर से आया हुआ अखरोट है, ये सिथ वन है, और इसका जो अखरोट है दाना है ये बड़ा होता है और कागजी अखरोट होता है। ये जो प्लांट है ये आप देख सकते हैं, ये सारा ग्राफ्टेबल है, ये आप देख सकते हैं ग्राफ्टेबल है, और इन्होंने अभी पॉलीथीन भी नहीं खोला हुआ है। थोड़ा सा सेंसिटिव होता है ये ग्राफ्टेड ना, इसलिए अगले साल इस पे ग्राफ्टेड खोलना पड़ता है। ये उस वक्त नहीं खोलते हैं? नहीं, नहीं नहीं, अगले साल में फिर खोल देते हैं। चलो ठीक है ना। और दोस्तों इसे ये ग्राफ्ट जब हम ताज़ा करते हैं तो इसे पॉलीथीन को ये इसीलिए नहीं खोलते हैं क्योंकि ये टूटने का खतरा होता है या फिर खराब होने का खतरा, इसलिए ये इसे पॉलीथीन को नहीं खोलते हैं। और ये आप देख सकते हैं इनका ये सारा जितना भी पॉलीथीन नहीं खोला है और ना कोई रिंग लगा हुआ, पूरा का पूरा बढ़िया से चला हुआ है। और इस साल जब ये लगाएंगे तो ये पॉलीथीन खोल करके आप लगा सकते हैं। और इसकी जड़ें भी आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार है। ये देखो मेन है कि इसका ये हरापन, इसमें हरापन अच्छा आ रहा है तो मतलब पौधा ठीक है। और ये आप इसका, मैं ग्राफ्ट का पॉलीथीन खोलता हूं, ये देखो दोस्तों इसे जो ग्राफ्ट किया जाता है तो ये आप यहां देखो ये लगभग 2 इंच से 2.5 इंच के आसपास का ग्राफ्ट यूनियन जो इनका ग्राफ्ट पॉइंट जो है, और ये इतना लंबा ग्राफ्ट किया जाता है। और इससे पहले मेरी जो मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाई थी कि हमें अखरोट पर कैसे ग्राफ्ट किया जाता है, तो उसके जब ग्राफ्ट करना होता है तो ये हमारा जो पहले साल का रूट स्टॉक होता है उसे 15-20 दिन पहले काट दिया जाता है, और जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग में इसकी ग्राफ्टिंग की जाती है, वो सबसे बड़ी होती है। और जो ये ग्राफ्ट, ये आप कलम देख सकते हैं, ये कलम इतनी लंबी थी जो लगाई हुई, तो ये कम से कम 1 फुट की कलम लगाई थी इन्होंने, तो ये यहां से और यहां से ये निकला हुआ है। और इसे कट लगाने ऊपर भी कट जरूरी है क्योंकि इसका जो सेव है वो बाहर निकलता है, इसमें बहुत ज्यादा नमी होती है। और बहुत सारे भाइयों का क्या होता है कि ऊपर वो काटते नहीं है जिसकी वजह से उसमें नमी रहती है। और ये है दोस्तों अन्ना, ये अन्ना के पौधे हैं। बहुत भारी है दोस्तों, ये जड़ें देख सकते हैं आप। किसी भी भाई को चाहिए तो आप मुझे, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे के रखूंगा, तो आप फोन करके मंगवा सकते हैं। ये गर्म इलाकों के लिए है अन्ना, आप देख सकते हैं यहां भी, ये देख सकते हैं अन्ना। और इसकी लंबाई मेरे ख्याल में 8 फुट से ज्यादा इस वक्त 8 फुट से बहुत लंबे हैं। और ये है दोस्तों गोल्डन डॉरसेट, गोल्डन डॉरसेट, और इसमें बीमा इतना है कि ये इसी साल फ्रूट दे देगा, ये देख सकते हैं इसमें आइज इसकी पूरी, इसमें फ्रूटिंग इसी साल है। तो इसे दोस्तों आप एक बार जरूर ट्राई करें, और मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे के रखूंगा। आप किसी भी भाई को अगर गोल्डन डॉरसेट या अन्ना चाहिए या अखरोट के पौधे चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।